वालेकुम मैं डॉक्टर अनिल शफी हूं, मैं कंसल्टेंट साइकट्रिस्ट हूं और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन के हवाले से आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा मेडिकेशन का नाम है रिस्परीडॉन रिस्परीडॉन एक एंटीसाइकोटिक दवाई है और ये जो दवाई है ये इंटरनेशनल मार्केट में रिस्परडॉल के नाम से आती है और पाकिस्तान के जो ब्रांड्स इसके हैं उसमें वाइजन रिस्प डॉन रिस्प और भी मुख्तलिफ ब्रांड्स शामिल हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है ये दवाई डोपामीन और सिराटोनिन रिसेप्टर्स पर काम करती है और उससे जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं साइकोसिस जिसको हम अगर आसान तरीन अल्फाज में कहना चाहें तो पागलपन की कैफियत कह सकते हैं उसमें एक अच्छा असर जो है वो देखने में मिलता है ये दवाई मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है जिसमें शिक्जोफ्रीनिया सर फहरस्त है इसके अलावा बायोलर डिसऑर्डर, ड्रोजनल डिसऑर्डर और कभी कभार बहुत ज़्यादा सवियर डिप्रेशन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा कभी कभार साइकाइट्रिस्ट इसको ग़ुस्सा कम करने की दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इस दवाई की जो मकदार है ये स्टार्ट तकरीबन एक से दो मिलीग्राम से इसकी डोज़ हो जाती है जबकि ये सोलह मिलीग्राम तक इसकी डोज़ जो है ना वो जा सकती है इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जहन के लिहाज से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें इंसान जो है वो गंदूदगी महसूस कर सकता है चक्कर आना महसूस कर सकता है नींद बढ़ सकती है इसके अलावा हमारे जिसम में कुछ और तब्दीलियाँ ऐसी आ सकती हैं जिनका ताल्लुक हमारे हरकत करने की सलाहियत से होता है जैसे जिसम में पट्ठों में अकड़ाव आ जाना और इंसान को अपने हाथ पांव हिलाना मुश्किल हो जाना इसी तरह से चलने के अंदर जो है ना वो दुशारी होना स्लो स्लो कदम से इंसान चलने लगता है तो ये कुछ सी एन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अलावा कुछ लोगों में ये वज़न को बढ़ने का मौजब वज़न को बढ़ाने का मौजब बन सकती है ये दवाई तो वेट गेन भी इसके इम्पॉटेंट अफेक्ट्स में से है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के इस दवाई से एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन उसका लेवल कभी कभार बढ़ सकता है यह हर पेशेंट नहीं होता लेकिन अगर ये हो तो इसके दोनों मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये चीज़ होती है कि उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है जो जिनसी ख्वाहिश है उसमें एक नुमाया कमी आ जाती है और दूसरी बात ये कि अगर वो पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो उसमें इसका सिम्टम एक और ये हो सकता है कि पीरियड्स जो हैं उनको वो मुतासर हों यानी कभी कभार जिन खुत में प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है उनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और इसी तरह से अगर आ, अगर वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोडक्टन लेवल बढ़ने की वजह से वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो ये कुछ सिम्टम्स फीमेल में आते हैं दूध ना पिलाने के बावजूद जो है छातियाँ जो है वो दूध से भर जाना ये भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की वजह से हो सकता है तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं इस दवाई को हम बुनियादी तौर पर एक सेफ़ दवाई जाता है और इसको बहुत सारे हम कैफियत में यूज़ करते हैं जिन लोगों को जिगर की बीमारी का मसला हो तो उन में भी यूज़ तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ हमें ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है बाकी ये कि जो प्रेगनेंसी है हमल और दूध पिलाने के अमल में उसमें ये दवाई इसका कोई आम तौर पर बड़ा नुकसान देखने में नहीं आया तो उसमें हम इस दवाई को जारी रख सकते हैं तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था इन हम फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे बहुत शुक्रिया